तो गरीब साइंटिस्ट हम सबका स्वागत है। आज हम जानेंगे इंडिया के टॉप 8 ब्लॉकबस्टर स्पेस मिशंस जो इस साल होंगे 2021 में। तो बिना बकवास के शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है SSLV, इसरो का नया रॉकेट जिसका नाम है SSLV यानी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये फाइनली लॉन्च होगा, ये इसी महीने यानी जनवरी में ही लॉन्च होने का प्लानिंग है फिलहाल। तो ये काफ़ी बड़ा चेंज होने वाला है इसरो के लिए, क्योंकि एक कम पेलोड वाला रॉकेट है जो वो काफ़ी फ्रिक्वेंटली लॉन्च कर सकते हैं और काफ़ी सस्ता होगा पूरे दुनिया में। तो इसके ऊपर मेरा डेडिकेटेड वीडियो ज़रूर आएगा। नंबर 2, RLV का लैंडिंग टेस्ट। मुझे पता है काफ़ी लोग काफ़ी टाइम से मेरे को RLV का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैं एक वीडियो में ज़रूर आंसर करूँगा। RLV के 3 मिशन होने मेनली, हेक्स, लेक्स और रेक्स। हेक्स मतलब हाइपरसोनिक री एंट्री का, वो हो गया, आपने देखा होगा काफ़ी टाइम पहले उसको लॉन्च किया था। नेक्स्ट है लेक्स मतलब लैंडिंग एक्सपेरिमेंट, जहां उसे एक हेलीकॉप्टर से उठा के उसे लैंड करवाएंगे। तो ये अभी होगा जनवरी या फरवरी में। और फिर होगा रेक्स। रेक्स कब होगा मतलब ऑर्बिट में जाएगा और फिर री एंटर करेगा, वो कब होगा हमें नहीं पता। नंबर 3, पिक्सल का सैटेलाइट का लॉन्च। अगर आपको पता है इंडियन प्राइवेट कंपनी पिक्सल ये अपना फर्स्ट सैटेलाइट जिसका नाम है आनंद उसको लॉन्च करने वाली है, और वो PSLV C51 के ऊपर लॉन्च होगा जो फरवरी मार्च में लॉन्च हो सकता है। C51 का मेन सैटेलाइट अमेजोनिया होगा और उसके साथ इनका भी होगा और शायद स्पेस किड्स इंडिया का कोई सैटेलाइट भी है। तो ये इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट होगा जो लॉन्च करेंगे ये लोग, तो वो भी मैं कवर करूंगा। इनफैक्ट हर एक चीज़ इस वीडियो में जो भी बोल रहा हूँ उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो ज़रूर आएगा, तो सब्सक्राइब करो। नंबर 4, बेलाट्रिक्स का इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन वाला थ्रस्टर लॉन्च होगा। बेलाट्रिक्स आप जानते ही होंगे अगर आपने मेरा स्पेस एक्सेस ऑफ इंडिया वाला वीडियो देखा है। तो बेलाट्रिक्स इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन पे काम कर रहा है, एक स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक थ्रस्टर पे काम कर रहा है जो पानी यानी वाटर एज अ फ्यूल यूज करता है, और ये एक इसरो के सैटेलाइट के ऊपर जाएगा। तो इसरो इनका थ्रस्टर यूज करने वाली है और वो इसी साल सेकेंड हाफ में होगा मोस्टली, यानी Q3 और Q4 में 2021 के। तो सेकेंड हाफ 2021 में हमें ये देखने मिल सकता है। नंबर 5, चंद्रयान 3। सेकेंड हाफ में हमें यानी 2021 के सेकेंड हाफ में चंद्रयान 3 भी देखने मिल सकता है। अब वो डिले होते जा रहा है, पहले मार्स था अभी सेकेंड हाफ हुआ है, और शायद और भी डिले हो सकता है। चंद्रयान 3 बेसिकली चंद्रयान 2 की तरह ही है उसका लैंडर, बस डिफरेंस है वो ऑर्बिटर में, ऑर्बिटर नहीं है इसे, इसके पास एक प्रोपल्शन स्टेज है। मैंने इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाया है एक छोटा सा, वो देख सकते हो आप, आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नंबर 6, स्काईरूट इस साल अपना फर्स्ट रॉकेट विक्रम 1 लॉन्च कर सकता है। तो उनका टारगेट है December 2021। मैंने पवन से कंफर्म किया कि ये टारगेट स्टिल होल्ड करता है क्या, तो उसने हाँ बोला। तो December 2021 में हम स्काईरूट का फर्स्ट ऑर्बिटल रॉकेट लॉन्च देख सकते हैं। यही नहीं, उससे पहले हम ऑलमोस्ट 4 स्टैटिक फायर्स देखेंगे इनके रॉकेट, स्टैटिक यानी सॉलिड रॉकेट मोटर्स के स्टैटिक फायर्स, काफ़ी इंटरेस्टिंग। नंबर 7, गगनयान G1 अनक्रूड मिशन। चांसेस कम है पर हो सकता है हमें इस साल गगनयान का फर्स्ट मिशन जो अनक्रूड होगा वो देखने मिले, और यही नहीं शायद हमें एक पैड बोट टेस्ट भी देखने मिले, वो सेफ्टी वाला जो मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो काफ़ी कुछ हो सकता है गगनयान रिलेटेड इस साल, रिगार्डलेस होता नहीं है तो भी अपडेट्स काफ़ी मिलने चाहिए इनडायरेक्ट सोर्सेज के थ्रू, देखेंगे। नंबर 8 और फाइनल नहीं है क्योंकि मेरे पास एक बोनस मिशन भी है, पर एनीवेज नंबर 8 है एक्सपोसैट यानी एक्सरे पोलराइजेशन जो मेजर करेगा, वो ऐसा एक सैटेलाइट लॉन्च करेगा इसरो। काफ़ी यूनिक मिशन होने वाला है वो, कुछ करीब 50 ब्राइट सोर्सेज के हमें एक्सरे पोलराइजेशन देगा। ये काफ़ी यूनिक मिशन होने वाला है पूरी दुनिया के लिए। तो ये एक हार्डकोर साइंस मिशन है, ये एक PSLV के ऊपर लॉन्च होगा इसी साल, कभी वो एग्जैक्ट डेट हमें पता चल जाएगा जैसे क्लोज आता है मिशन। अब आते हैं बोनस के ऊपर, अग्निकुल के हमें स्टैटिक फायर्स देखने मिल सकते हैं। तो उनके जो कैरोलॉक्स इंजन यानी केरोसिन और लिक्विड ऑक्सीजन वाला इंजन, उसके स्टैटिक फायर्स देख सकते हैं, मैंने श्रीनिवास से कंफर्म किया। IDRSS सैटेलाइट्स के लॉन्चेस देख सकते हैं, जो हमारे रिले सैट्स है जो गगनयान को लगने वाला है, उनके लॉन्चेस देख सकते हैं, वो GSLV Mark 2 पे होंगे। और GISAT का लॉन्च भी होगा जनवरी में या फरवरी में, वो भी GSLV Mark 2 के ऊपर, और अपने रेगुलर PSLV मिशंस भी चलते रहेंगे। तो काफ़ी एक्साइटिंग साल है, शायद SSLV का D2 मिशन भी हमें देखने मिले, सेकेंड वाला डेवलपमेंट फ्लाइट। काफ़ी एक्साइटिंग ईयर है और देखते हैं क्या होता है। 2022 और भी एक्साइटिंग है, आदित्य L1 वगैरह 2022 में आते हैं सब। बस यही था, सब्सक्राइब करो, ज्ञान की गरीबी सबसे बड़ी। जय हिंद जय भारत। स्पेशल थैंक्स टू कार्तिका देवाल, बुटला चैतन्य, जयम शर्मा, रोहित सुवर्ण, हरमन संगा, नारायण प्रसाद, सुमित रामडाड़े, हिमांशु शंकर, गौरव बजाज, गगनदीप भाटिया, Mark 7, संदीप रामकृष्णन, वीव, वैभव त्रिवेदी, भैरव हजारिका, सचिन यादव, कुजवी मेहता, आकाश पाटिल और विक्रम वर्मा।